जिद्रो जतोई 7 अक्टूबर 1901 ईस्वी दारे बखुदेरे तालके डोकरी जिले लाड़काने में जन्म वरतू। संदस वालिद जो नालो फकीर अलहदार जतोई हो। जिद्रो जतोई इब्तदाई तालीम पांजे वेझे गोठ पठान तालके डोकरी मां 1911 ईस्वी दारे वरती, जिता हन सिंधिया जा सदर जा पढ़ी। फाइनल जो इम्तहान सजी सिंध में पहरे नंबर से 31 अक्टूबर 1989 से पास कियो। लाड़काने जे मदरसतुल इस्लाम मां मैट्रिक जो इम्तहान पास किया। 1927 ईस्वी धारे डीजे सिंध कॉलेज में दाखिल थियो। बीए ऑनर्स जो इम्तहान सुठे नंबर में पास किया। 1931 ईस्वी में ये बदीन जो मुख्तियारकार थियो। नौकरी दौरान ये डिग्री नौकरी घोटकी बदीन मेहर जकबाद में रहो। सन 1943 ईस्वी का 1944 ईस्वी तीन स्पेशल रिकवरी ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहदे से फायज रहो, जिता के डिप्टी कलेक्टर बनाया वो। आम मानू सा जुलम ऐसी इन डिप्टी कलेक्टर के अहदे त 1943 ईस्वी में इस्तीफा दिनी। इन पाँच बाकी बचल हयाती हारियन के भलाई वार कम वकुफ़ कर छी। कामरे जो तई जो तालुक सिंध के बाराड़ी वाले इलाक से हो, जिते होश संभाल वाले उम्र का वही अबोझ मिसकिन हारियन गरीबन के गुर्बत वाले हालत में झड़ी दिठो। वो शुरू का वही हारियन मजदूर हडोखी थी रो। संदस दिल में उणत थे लगी तो इन हारियन की जिंदगी कें बदलाए जैमें वो अमली तौर पर उन खातिर कुछ कर सके। हारी कमेटी जो बुनियाद 1930 ईस्वी में शेख अब्दुल जमशेद मेहता जी एम सैयद बन पारा विधो वो। हारी कमेटी जो मतलब ब्रिटिश दौर में हारियन की सूरत हाल का वाकुफ़ कराण हो। हिंदुस्तान में उन वक्त आज़ादी तहरीक हली रही हुई, जिते सियासी पार्टियां अमली जदोज कर रही हुई, उत हारी तनजीम पिण जन्म वरत। सिंधारी कमेटी कनेटी खंड में रोशन ख्याल तहरीक के तसलसल ऑल इंडिया किसान सभा की कड़ी तौर वरतो वे तो उन जो तुई हारियन के दुखन डोजन के समझी हारी कमेटी के प्लेटफॉर्म त अमली जदोज शुरुआत कई। हारी कमेटी जहाँ मुल्क की तमाम वही हारी तनजीम न बणजी सकी, पर हू पाकिस्तान ठण का पैरी नंढे खण की तमाम वही मजबूत जमात समझी वी हुई, जहाँ पाकिस्तान ठण का इतना के अवामी तरीकों के ऑक्सीजन ईदी रही। 1930 ईस्वी में हारी कमेटी के रियाती फिक्री अक्सा ऐसे हि दौर सिंध में बहस कचहरी ने गजण हो। उन वक्त जी इनकलाबी तरीकों हुई उन्होंने जोर हो तो सरकारी जमीनों हारियन में विरायू वन, हारियन से इंसाफ भर रवियो रखो वे। जितने को हिंदू लीडर जो हारी तरी का सरवाणो विरांगे का उन्होंने इतना वन ही तरीक कुछ कमजोर पिण थी। इतने जो तुई पैं डाहब से हारी जो तबका सवाल से गढ़ो जागीरदारी जो खात्मो जमीन में हासिल थन्द पैदावार हारी जो हक मुकमल तौर तस्लीम कर जदोजहद जो आगाज़ किया, जैसा खिते जो हारी मुंजिम थो। उन दौर में कॉम्प्रेस सियासत जो नारो हो तो कूड़ा क्लेम खत्म करो, जैसे हारी कमेटी जो मौको हो तो समूरा क्लेम खत्म करो। हारी कमेटी पैं उसूल तहत भुगड़न मुठ जमीनों कें जागीरदार हवाले करने के हक में न हुई। सिंध हारी कमेटी केतर ही धुरू शामिल हुई, जमीन के विच जो सवाल आयो तो केतर ही उनका नाबरी वारी खास कर जैसे जरी सुधार की गाल आई तो साई जी एम सेठ पिण जरी सुधार की रुगो मुखालफत कई, पर हारी कमेटी का अलहदगी पिण अख्तियार कई। उन बावजूद हारी कमेटी पैं उसूली मौकुफ से कायम रही। जैं भी जिते भी हारियन की भलाई ला को भी मौको मौको आयो हारी कमेटी उन भरपूर जो हलई। जैसे मुल्क मजलूम कौमन के हक से धाड़ो हण ला पे बार वन यूनिट ठाए वो तो हारी कमेटी हिद जो अगवाणी में भरपूर जदोजहद कई। सिंध जहाँ जी दौरा क्या वह हैदर जतोई उन सरबराह होजन जो एजाज़ हासिल है। सिंध जदोजहद में वन टुटो हैदर जतोई पारा रात ही जदोजहद कर करे संदस सेहत खराब थी। संदस बीमार वाले डिहारन में शागिर्दन हारियन मजदूर जो गड़ियल प्लेटफॉर्म जोड़ो। इन अता की जुड़त जो मकसद बाशौर मानू के गजी जदोजहद जो गस गोलण जो मकसद हो। हैदर जतोई की हयाती में हारी कमेटी पारा जो हारी मेड़ा का कोठाया वह उन सिंध के अवामी सियासत में नवा रंग भरिया। कामरेड जतोई की वफात बाद हारी क्यादत में उन जड़ो वो मू न आयो जैमें उ सब मणिया होजन जे बाबा सिंध में हुई। मुख्तलिफ़ तरीक से हारिय जो तंजीमों मुख्तलिफ़ शिकल के रूप में जुड़ियं टुटंद रूं छा अवा में मौजूद न होजन करा पैर मजबूत न कर सकूँ।